हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं तरुणा तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि हैदराबाद के अंदर बहुत ही हाई फाई और बहुत ही ज़्यादा ऐसे एक्सक्लूसिव सी जो एग्जीबिशंस होती हैं वो कहाँ पे लगती हैं और फ्रीक्वेंटली भी यहीं पे लगती है ताज कृष्णा बोल के एक वालों का एक प्रॉपर्टी हैदराबाद है के अंदर बंजारा हिल्स में बहुत ही ज़्यादा फेमस वहाँ पे हाई फाइ बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव मैं अगर आपको बोलूँ तो उस तरह की एग्ज़िबिशन्स लगती हैं तो वो एग्ज़िबिशन्स का आपको इनवाइट आ जाता है और आप वहाँ पे जा सकते हो तो मेरी जो फ्रेंड है उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रखा था जहाँ से कि उसको पता चला कि इस तरह से एक एग्ज़िबिशन एक है और हम उसको उसको उसने बोला कि तुम लोग भी चलो तो हम सब लोग फिर उस एग्ज़िबिशन के अंदर गए जब आप वहाँ पर जाओगे तो अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करोगे तो नेक्स्ट टाइम से आपको भी पता लग जाएगा कि एग्जी एग्जिबिशन कहाँ पे हो रही हैं मोस्टली एग्जिबिशंस ताज कृष्णा के अंदर होती हैं ये देखो ताज कृष्णा लिखा हुआ है आप वहाँ पे पार्किंग कर दो और वहाँ पे इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरह की एग्जिबिशंस लगती रहती हैं तो हम लोगों ने अपना गाड़ी पार्क किया उसके बाद में हम लोगों ने एग्जीबिशन के अंदर फिर एंट्री किया इस एग्जीबिशन के अंदर इंडिया के काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से और गर्ल्स आई आई हुई थी मेनली तो और यहाँ पे पूरा का पूरा जो क्राउड था वो मोस्टली गर्ल्स का ही था लेडीज़ का ही था ठीक है और मैंने एक साड़ी ट्राई की थी अंदर एंटर करते ही फर्स्ट शॉप से ही मैंने ये साड़ी ट्राई की थी और बाद में मैंने ली भी लेकिन डिफरेंट कलर के अंदर तो ज्वेलरीज का जो कलेक्शन था बहुत ज्यादा सुपर था उसके अलावा कॉर्ड सेट्स कुर्तीज़ हर प्राइस में थे बट ऑफ कोर्स थोड़े से हायर प्राइस साइड में ही थे एकदम ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा चीप स्टफ़ था बिल्कुल भी नहीं था चीप स्टफ़ तो सारा का सारा एक एक चीज़ की क्वालिटी वाइज बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव था इनफैक्ट कि जैसे अगर फुटवेयर भी अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और अच्छे थे उसके अलावा छोटे बच्चों का कलेक्शन भी था किड्स वगैरह का और साड़ीज़ वगैरह तो ऐसे प्रॉपर स्टेट वाइज़ थी कि उड़ी उड़िया की साड़ीज़ थी असम की सिल सिल्क साड़ीज़ थी फिर मेरी फ्रेंड ने कुर्ती ट्राई किया उसको काफ़ी ज़्यादा कुर्तीज़ में इंटरेस्ट है सूट्स में और दुपट्टाज में इंटरेस्ट है मुझे काफ़ी ज़्यादा साड़ीज़ में इंटरेस्ट है तो मैंने फिर डिफरेंट डिफरेंट तरह की साड़ीज़ ट्राई की काफ़ी ज़्यादा जो शॉप्स थी वो तो देखो क्लॉथिंग की ही थी पर डिफरेंट डिफरेंट कोट सेट ऐसे एक ऐसी शॉप थी जिसमें सारे के सारे वाइट कलर के ही ड्रेसेस थी सब वाइट कलर की ड्रेसेस थी तो इस तरह से मैं आपको पूरा कलेक्शन दिखाती हूँ कि क्या क्या था सूट पीसेस भी थे और फिर क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत बार्गेनिंग तो चलता है अगर आप अच्छे से ऐसे बार्गेनिंग कर सको तो थोड़ा बहुत बार्गेनिंग तो चलता है लेकिन हाँ ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि एकदम ही आपको हाफ़ प्राइस कर देंगे वो सिस्टम नहीं होता है थोड़ा बहुत चलता है और हाँ, मतलब कि जो लेडीज़ जो दिखा नहीं थी उन्होंने भी सेम ही अपनी शॉप से ही कुछ ना कुछ पहन रखा था तो थोड़ा सा आइडिया भी लग जाता है कि कैसा लग रहा है उसके अलावा फिर आप को जो आपने कपड़े पहन रखे हैं उसी के ऊपर ही ट्राई करके देखना पड़ता है आपको तो फिर उसके बाद में हम लोगों ने एक मैंने एक ब्लैक कलर की साड़ी ली थी और मेरी फ्रेंड ने भी कुछ कुछ छोटे मोटे सामान लिए थे उसके बाद में हम तीनों जने फिर कहीं पे ऐसे कैफ़े वैफ़े के अंदर आ गए कि चलो कुछ खा पी के चलेंगे फिर ऐसा और फिर हम लोगों ने मैंने दार्जिलिंग टी ऑर्डर किया मेरी फ्रेंड ने कोल्ड कॉफी ऑर्डर किया और दूसरी फ्रेंड ने मिल्क भी कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर किया बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा कैफ़े था गेम्स रखे हुए थे कि आप लोग चाहो तो गेम्स खेल सकते हो अगर बच्चे बच्चे हैं तो वो भी खेल सकते हैं या एडल्ट हैं वो भी गेम्स वगैरह खेल सकते हैं और काफ़ी देर तक यहाँ पे बैठ सकते हैं लैपटॉप वगैरह पे भी अगर आप चाहो तो काम कर सकते हो इन सब की यहाँ पर सुविधा थी और पूरा क्राउडेड था ऑफ कोर्स कोल्ड कॉफ़ी वगैरह काफ़ी अच्छी थी उसके अलावा हम लोगों ने एक सैंडविच ऑर्डर किया था जिसमें कि हम लोगों ने उसको एक दो बार दोबारा भेजा कि पहले पोटैटो वेजेस आ गए तो हमने कहा फ्राइज चाहिए फिर उसने बहुत टाइम लगाया तो हमने बोला पोटैटो ही दे दो उस चक्कर में हम उसका वीडियो ही बनाना भूल गए उसके बाद में बस फिर हम लोग घर चले गए अभी मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी साड़ी वहाँ से परचेज़ किया वो मैं आपको भी दिखाती हूँ तो ये वो साड़ी है जो मैंने ख़रीदी तो मैंने ब्लैक कलर में खरीदी थी और पहले जो आपने देखी थी वो महरून कलर में थी और ये भी एक साड़ी मुझे बहुत पसंद आई थी लेकिन फिर मैंने नहीं खरीदी थी वो वाली साड़ी और ये बनारसी सिल्क की साड़ी है और ये मतलब कि प्योर में है